जबलपुर कलेक्टर के निर्देशन में तहसीलदार एवं फूड इंस्पेक्टर अमित वर्मा ने शहर के पन्ना नाका स्थित स्वीट्स और डेयरी पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान में व्यापक अनियमितताएं पाई गईं। बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठान संचालक द्वारा एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इन अनियमितताओं के लिए फूड इंस्पेक्टर अमित वर्मा ने प्रतिष्ठान संचालक को कड़ी हिदायत देते हुए कार्रवाई प्रस्तावित की है। प्रतिष्ठान में 2017 से 2020 के बीच एक्सपायर हो चुकी सामग्री बड़ी मात्रा में मिली है। अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य प्रतिष्ठान संचालकों में हड़कंप मच गया है। ऐसे बीच मैं आपको बता दें कि लवकुश नगर में भी कार्रवाई की गई। कई प्रतिष्ठान व्यापारी, दूध डेयरी संचालक, मावा विक्रेता दुकानें बंद कर भाग निकले। आज की तारीख में यहाँ पे मिलावट की मुक्ति अभियान पहले से चल रहा है यहाँ पे, लेकिन एक क्रमशः ये 2 तारीख से दूध वालों के खिलाफ और मिठाई की दुकान के ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस किस एरिया में की सर आपने? अभी खजुराहा में हमने की है क्रमशः कार्रवाई, यहाँ पे लक्ष्मण दूध डेयरी है, इसके पश्चात लोकल खजुराहा में मोदी स्वीट्स है, कृष्णा शर्मा है बगल में, वहां पे ली गई है कार्रवाई सैंपल की, इसके बाद बरसैया मावा भट्टा पे।